बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ्यासो यस्यास्य कमलगंतम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्गसर्गाद नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुन्तो तस्य हरे पदकमलम् दो दिन ना आठ और एक ही दिन आठ तारीख फिर परमादत्त हमारे को कब दे रहा है तो मैं बात करूँगा उससे। मेरे पास आया था मैसेज, बोला ठीक है माना करवाता हूँ। वंदे श्री चैतन्य देवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाघ श्रीमद्रत्नागाररत्नसमासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे दुर्गतजनैकदयावलोक। हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथदासौ श्रीजीव मे कुरुतु मन्दमते दयां करा। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध श्री धृतराष्ट्र का उद्धार विदुर जी कर रहे हैं। 13वें अध्याय का हम 24वां श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। श्री विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि जो व्यक्ति घर में रहते हुए ही अपने भाव को छिपाते हुए भगवत चरणारविंद के लिए सारी चेष्टाएं करे उसका नाम है धीर, और जो ग्रह का त्याग करके फिर आसक्ति न रखते हुए और वन में जाकर के इतनी भी हिम्मत करे कि घर का त्याग भी कर दे उसका नाम है नरोत्तम। तो यदि तुम नरोत्तम नहीं बन सकते हो तो कम से कम धीर तो बन जाओ। धीर का तात्पर्य है जो द्वेष भाव तुमने अभी भी पांडवों के प्रति पाल रखा है, और भीमे नावर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। भीम तुमको जो पिंड देता है पास में नहीं आता कि कहीं तुम पकड़ करके उसको मार नहीं दो, अपने बेटों का बदला नहीं ले लो। वो दूर से ही भात के पिंड बना करके गोले बना करके तुमको सरका देता है। तुम्हारे हृदय में अभी भी जो भय है कि कहीं भीम से मुझे नहीं मार दे और मुझे मिल जाए तो मैं अपने बेटे का बदला ले लूं, इस द्वेष भाव का अब तो त्याग करो। अब वहाँ आ गया अब भी त्याग नहीं करो, क्यों ऐसा द्वेष पाले हुए हो। जो व्यक्ति घर में रहते हुए भगवत आराधन करते हुए संसार में आसक्ति का त्याग करे और भगवत स्मरण करते हुए देह का भले घर में त्याग कर दे, घर में ही है परंतु देह का त्याग कर दे, वो भी परम परम श्रेष्ठ है, वो धीर है। परंतु उससे भी धीर है नरोत्तम जो कि ग्रह त्याग करने की हिम्मत जुटाए हुए है। तस्याप तब देवम कृपणस्य जीजी विशो परैत्य निच्छतो जीर्ण जरया वाससी एव। तस्याप तब देहोयम, अब भीम से तुमको टुकड़ा डाल रहा है और तुम उनको खा करके जी रहे हो। तुम्हारा ये जो देह
कृपणा से जीजीविषा और कृपण होकर के तुम जी रहे हो, ये उचित नहीं है। दूसरों के अन्न के ऊपर तुम पल रहे हो, ये उचित नहीं है। व्यक्ति को कम से कम इतना तो विचार करना चाहिए कि भाई बुढ़ापे में बच्चों की दी हुई रोटी नहीं खाएं, देंगे तो भाई परंतु तो उनकी रोटी नहीं खाएं, माने अपने पास में हो कि अपन उनके लिए भार रूप नहीं हो। उनकी सेवा तो उनको करनी पड़ेगी, वो तो व्यवस्था है कि सेवा तो लेनी पड़ेगी, परंतु तो यथासाध्य कोशिश ये हो कि उनके अपने लिए उनकी रोटी के लिए उनसे कहीं मांगना नहीं। तो ये तो प्रयत्न करना चाहिए, थोड़ा सा माने एक बुढ़ापा उसके लिए एक आर्थिक सुरक्षा रखनी चाहिए। पर तुम्हारी स्थिति तो ये है कि तुम तो अब भीम के द्वारा भीमेन आवर्जितम दिए गए टुकड़ों पर पल रहे हो, तो तस्या पे तब देह हो हम, आपका ये जो देह है वो कृपणस्य हो, कितनी दीनता में ये तुम जी रहे हो। जीजी विषह एक एक श्वास उनकी दी हुई है, इस समय तुम्हारी स्थिति ये है कि यदि वे चाहते तो तुमको किसी भी क्षण वे तुमको मार सकते थे, उनकी मुट्ठी में तुम्हारी जान है। अरे इतनी निश्चितो जीर्ण, ये तुम्हारी आयु परैति माने धीरे धीरे ये आयु भी घट रही है, अनिच्छतः न चाहते हुए भी यह घटती हुई चली जा रही है। जीर्ण तुम जीर्ण हो रहे हो, जैसे जरया बाससी वो, जैसे बुढ़ापा तुम्हारे पास में फटे हुए वस्त्र की तरह से, जैसे वस्त्र अपने आप गलता हुआ चला जा रहा है, ऐसे तुम्हारी आयु भी गलती हुई चली जा रही है। जरया बाससी वो, वृद्धावस्था में तुम्हारी आयु गलती हुई, तो इसलिए तो तुम विवेक धारण कर। गत स्वार्थ में मम देहम विरक्तो मुक्त बंधना, जो व्यक्ति घर में रहते हुए ही गत स्वार्थम स्वार्थ त्याग कर दे, माने मुझे शरीर के लिए नहीं चाहिए, मेरा शरीर अब भगवत सेवा के लिए, यह विचार करे। इमम देहम गत स्वार्थ में मम देहम, इस शरीर में स्वार्थ उसका है नहीं। विरक्त संसार में कहीं भी आरक्त वो आसक्त नहीं है, विरक्त और मुक्त बंधना सारे बंधन उसने छोड़ दिए। अविज्ञान गति ही उसका अपना जो भजन है और मन के भाव, उसको अपने बेटा नाती के आगे परिवारिक जनों के आगे भी नहीं कहे, दिखाइए कि जैसे संसारी है पर संसार से बिल्कुल अलग और वैराग्य धारण करके रहे। अविज्ञात गति अपनी साधन को किसी दूसरे के सामने प्रकट न करते हुए, जयहार जो अपने प्राणों का त्याग कर दे, सबई धीर उदार होता, उसका नाम है धीर, ये धीर की परिभाषा दी। अब कह रहे हैं कि यह स्वकात परतो वे हो, स्वकात माने अपने मन के वैराग्य के कारण, परतः अथवा किसी गुरुजन ने उसे प्रेरणा प्रदान की, उस गुरुजन की प्रेरणा को प्राप्त करके, या तो अंत प्रेरणा के द्वारा या किसी महापुरुष के उपदेश के द्वारा। स्वकात परतो वे हो, जात निर्वेद जिसके हृदय में संसार के प्रति निर्वेद पैदा हो गया, माने संसार में अनासक्ति उत्पन्न हो गई, रुचि नहीं रही। सबसे पहले उत्पन्न होता है निर्वेद, निर्वेद के बाद में फिर दूसरी स्थिति आती है त्याग, वस्तु का त्याग किया, त्याग के बाद में तीसरी स्थिति आती है वैराग्य, माने जो त्याग किया उसकी भी याद नहीं करे और उसमें भी आसक्ति नहीं हो, राग नहीं हो, वो तीसरी स्थिति है वैराग्य। और फिर वैराग्य के बाद में फिर चौथी जो स्थिति है वो है ज्ञान और भक्ति, उसके द्वारा ज्ञान और भक्ति को प्राप्त। तो यह स्वकात परतो वे हो, स्वयं अपने द्वारा, परता माने किसी दूसरे के द्वारा, जात निर्वेद जिसकी विषयों से अनासक्ति हो गई है, और आत्मवान मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मुझे एक साधन मिला था
मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, आत्मवान, अपने आप को आत्मवान जो समझता है, माने मैं आत्मा ही हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा चेतन हूँ, मैं जड़ परिवर्तनशील शरीर नहीं, ऐसा जो विचार करे और हृदय कृत्वा ग्राहक, हृदय में विचार करके हरि, हरि का हृदय में विचार करते हुए ग्राहक पर ब्रजेत, घर से जो बाहर निकल जाए, घर त्याग कर दे, सब नरोत्तम है, उसको तो नरोत्तम कहेंगे, वो धीर नहीं है, वो नरोत्तम, ये नरोत्तम की परिभाषा दी। अब जब वैरागी हो गया, विरागी हो गया, तो विरागी का मतलब है कि अब घर की के साथ में कोई संपर्क नहीं रखेगा, वो हो गया विरागी। फिर उसको साथ में फिर वो पति पत्नी पुत्र इन सब के साथ में कोई संबंध नहीं रखेगा, वो वैरागी, वो विरागी। जब उसने त्याग कर दिया है घर का, तो फिर उनके साथ में कोई संपर्क उसको नहीं रखेगा। अभिज्ञात गति चाहिए, ये सब नरोत्तम है, वो नरोत्तम होकर के विराजमान। अथो दीचिम दिशम ज्ञात स्वैर ज्ञात गतिर भवान, इसके बाद में उदीचिम दिशम ज्ञात, श्री युधिष्ठिर ने उत्तर दिशा की ओर जाने का विचार कर लिया। इसका धर्मशास्त्र में कहीं उल्लेख है, उसको कहते हैं महाप्रयाण। महाप्रयाण ये कि उत्तर की तरफ मुख करके चले जा रहे हैं, पीछे जो गिर रहा है तो गिर रहा है, उसकी ओर देख नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, और चले जा रहे हैं, जहाँ शरीर गिर जाएगा वहाँ गिर जाएगा, वो महाप्रयाण का एक विधि है देह त्याग करने की। तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं, किसी की याद नहीं है, बिल्कुल निरपेक्ष होकर के विराजमान। तो अथो उदीचिन दिशम ज्ञातुं स्वैर ज्ञात गतिर भवान, स्वयं अज्ञात गति, अपने परिवारी जनों को भी उनकी गति का पता नहीं है कि कहाँ जाएंगे, कहाँ के लिए जा रहे हैं। स्वयं अज्ञात गति, अपने परिवारी जनों को भी जिनकी गति की प्राप्ति नहीं है, उदीची दिशा की ओर जा रहे हैं, स्वयं अज्ञात गति, उनको गति का पता नहीं है। भवान ये तो अरवा प्रायशक काल है पुनसाम गुण विकर्षण, क्योंकि युधिष्ठिर ये विचार कर रहे हैं कि इता अरवा, अब इसके बाद में जो समय आएगा वो समय प्रायशः गुण विकर्षण, उस काल में मनुष्यों के गुण धीरे धीरे कम ही होंगे। तो इसके बाद में जो समय आएगा वो प्राय मनुष्यों के गुणों को और वस्तुओं के गुणों को भी खा लेने वाला होगा, माने पहले वस्तुओं में जो दम था न तो वो दम और स्वाद रहेगा, और मनुष्यों में भी चले पहले जो विचारधारा थी वो विचारधारा भी नहीं रहेगी, और कलयुग आने पर सत्व गुण का विकर्षण होता हुआ चला जाएगा, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण बढ़ेंगे और सत्व गुण घटता हुआ चला जाएगा। तो ये तो अरवा इसके बाद का जो समय है वो बुरे से बुरा ही आ प्राय सो गुण विकर्षण। एवं राजा, ये कहीं सहज स्वरूप भी, माने समय का प्रभाव ऐसा है कि समय के प्रभाव से स्नेह पारिवारिक संबंध भी धीरे धीरे कम होते हुए चले जा रहे हैं, दिख रहा है, माने व्यक्ति एकदम सीमित होता हुआ चला जा रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति भी बहुत सीमित होती हुई, और जो जीवन में व्यवहार में जो धर्म की जो स्थिति है वो गॉड फेयरिंग ये बहुत कम होती हुई चली जा रही है, अपराध बहुत कम होता हुआ चला जा रहा है, ईश्वर से भय बहुत ज़्यादा कम होता हुआ चला जा रहा है, भगवत प्रवृत्ति भी कम होती हुई चली जा रही है, सात्विकता भी धीरे कम होती हुई चली जा रही है। तो ये तो अलग, इसलिए अब यहाँ पर रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, अपना काम हो गया आप चलो, ऐसा कहकर के श्री युधिष्ठिर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। तो ये तो अरवा प्रायशक काल है, इसके बाद में जो समय आएगा वो पुंसाम गुण विकर्षण मनुष्यों के गुणों को धीरे धीरे कम करने वाला होगा। एवं राजा विदुरे राम जैनो प्रज्ञा चक्षुर्बोधितो याजमीरः,
इस प्रकार राजा माने धृतराष्ट्र को विदुरेण अनुजेम अपने छोटे भाई विदुर के द्वारा उनको उपदेश दिया गया, भैया हो तो विदुर जैसा। तो एवं राजा विदुरेण अनुजेम विदुर अनुज के द्वारा उनको बोध प्रदान किया गया। प्रज्ञा चक्षु श्री विदुर प्रज्ञा चक्षु होकर के श्री धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु है माने जन्मजात अंधे हैं। प्रज्ञा चक्षु माने प्रज्ञा माने भीतर के ज्ञान से ही देखने वाले, बाहरी आँखों से जो नहीं देखे और प्रज्ञा के द्वारा किसी के मन की बात को सुन करके जो पहचाने वो प्रज्ञा चक्षु। तो प्रज्ञा चक्षु बोधितो ह्याजमीढ़ अजमीढ़ के वंश में ये उत्पन्न हुए। अजमीढ़ के वंश में शंतनु उत्पन्न हुए, शंतनु जो है उनके वंश में फिर विदुर धृतराष्ट्र और श्री पांडु ये तीन उत्पन्न हुए। तो अजमीढ़ अजमीढ़ के यहाँ पर देवापी और शंतनु, तो शंतनु के वंश में ये उत्पन्न देवापी शंतनु और भीष्म ये तीन पहले उत्पन्न हुए और फिर जो शंतनु है उन शंतनु के वंश में पांडु धृतराष्ट्र और विदुर ये तीन। तो आज बोले जित्वा शेषु स्नेह पाषाण दृढ़ जित्वा शेषु अपने प्रियजनों में युधिष्ठिर ने उस समय जित्वा माने ये अपनी आसक्ति को जीत लिया। इस प्रकार एवं राजा विष्णुनाथ प्रज्ञा चक्षु बोधितो ह्याजमीढ़ और जित्वा शेषु स्नेह पाषाण धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्र की बात चल रही है अभी युधिष्ठिर की बात नहीं है, जित्वा शेषु स्नेह पाषाण उन्होंने अपने बंधुओं में जो स्नेह पाष था उसको जीत लिया माने मरे हुओं की चिंता छोड़ दे और इस समय भी जो है उनकी भी चिंता छोड़ दी। जित्वा शेषु स्नेह पाषाण दृढ़ दृढ़ जो स्नेह पाष थे उसको जीत लिया और निश्चक्राम भ्रात्य संदर्शित आत्मा भैया जैसा मार्ग बता रहे हैं विदुर उस मार्ग को ग्रहण करते हुए निश्चक्रामो ये चल दिए। इन्होंने उत्तर दिशा को जाने का विचार किया और ये अपने स्नेह पाष को जीत करके उस समय चल दिए। अब पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चान जगाम साध्वी पतिम प्रयांतम पति जिस समय जा रहे थे पति को बन जाता हुआ देख करके सोल राजा की पुत्री गांधारी ये धृतराष्ट्र की पत्नी है पतिव्रता ये पतिव्रता ही है। इन्होंने बचपन में ये सुना किसी ज्योतिषी से ऋषि से कि तुझे अंधा पति मिलेगा तो इन्होंने आंखों में पट्टी बांध दी। अब वो तो युग ऐसा एक नाटक लिखा गया हिंदी में उसका नाम ही है अंधायुग। अंधायुग भारती का नाटक है उसमें बड़ा प्रसिद्ध नाटक है मैंने एक मैंने इतिहास के बीच में भी उसकी गिनती है अंधायुग। उसमें महाभारत के पात्रों को लेकर के ही महाभारत के पात्रों का वर्णन है कि महाभारत के प्राय अधिकांश पात्र बड़े जिद्दी और माने विवेक के आधार पर चलने वाले नहीं हैं। वो पूरा का पूरा योगी अंधायुग है केवल धृतराष्ट्र ही अंधे नहीं है जो सूझते हैं उन्होंने भी आँख में पट्टी बांध ली है वहाँ पर। और महाभारत की एक बहुत बड़ी दोष है महाभारत काल का वो ये कि महाभारत में इतनी ज़्यादा प्रतिज्ञाएं की गई फालतू की प्रतिज्ञाएं इतनी ज़्यादा की गई कि उन प्रतिज्ञाओं से कहीं कार्य करने में तीव्रता तो जरूर आई
परंतु उन प्रतिज्ञाओं का कोई पीछे लॉजिक नहीं है, कोई विवेक नहीं है। अब ये कोई बात है क्या कि अर्जुन प्रतिज्ञा कर रहा है कि यदि आज संध्या तक मैं जयद्रथ को नहीं मार दूंगा तो स्वयं मर जाऊंगा, अब कोई बात है? ये कोई प्रतिज्ञा करनी चाहिए थी क्या? भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर रहे हैं मेरा नाम भीष्म नहीं, कृष्ण को अस्त्र तुझे अस्त्र नहीं दिला दूं। अब ये कोई ऐसी कोई प्रतिज्ञा है क्या? तो ऐसी प्रतिज्ञाएं बहुत ज्यादा की गई और उस प्रतिज्ञा में इतने ज्यादा मन आगे बढ़कर के ऐसे संकल्प लिए गए, ऐसे होश लिए गए कि उसमें अपना भी बड़ा भारी नुकसान हो गया। इतने इतने उसमें अच्छा मोदी जी आए जय आई तो उसमें इतने बड़े बड़े जो संकल्प हैं और कठिन संकल्प, उन कठिन संकल्पों को ले लिया गया। तो वो पूरा योग जो है वो बहुत अतिवादी योग है। इन प्रतिज्ञाओं को लेकर के हर एक व्यक्ति कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हुआ है और उससे एक बात तो जरूर हुई कि कार्य करने में जोश तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कार्य करने में जो एकाग्रता है वो एकाग्रता और कार्य कुशलता उसकी वृद्धि तो बहुत ज़्यादा हो गई प्रतिज्ञा करने से, परंतु वो विवेकपूर्ण नहीं है। और भीष्म पितामह अब कहीं प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ठीक है कुरुक्षेत्र के कुल वंश की जो गद्दी जो भी करेंगी उसको मैं करूँगा, उसका समर्थन करूँ। अभी कोई बात है क्या भाई? गुण दोष के आधार पर कहीं विवेचन करना चाहिए। अब तुम ये प्रतिज्ञा करो कि यदि कोई गलत कर रहा है, अब दुर्योधन गलत कर रहा है तो दुर्योधन के गलत करने पर भी उसका समाधान करते हुए विराजमान हो, तो ये सब चीज़ें उचित नहीं। वो इसलिए उन दोषों की ओर कई कई जगह उसमें बहुत अच्छी तरह संकेत किया गया उस नाटक में। तो उसका नाटक का शीर्षक रखा गया अंधायोग। तो पूरा योग ही महाभारत का जो योग है वो बहुत ज़्यादा अविवेक के साथ में प्रतिज्ञा करने वाला वो एक योग है। धर्मवीर भारती का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, नाटक नहीं है उपन्यास है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो गत स्वार्थ न्यून देहम, हाँ तो ये हो गया। तो जित्वा शेष स्नेह पाषाण, इन्होंने अपने बस बंधुओं में स्नेह पाश उनको जीत लिया। दृढ़ निश्चक्राम और दृढ़ होकर के निश्चक्राम भ्रात संदर्शिताद्वा धृतराष्ट्र विदुर की लठिया पकड़ करके आगे आगे चल रहे हैं। आगे आगे विदुर उन्होंने लठिया पकड़ रखी है, फिर धृतराष्ट्र लाठी पकड़ करके चल रहे हैं, उनका पीछे पल्ला पकड़ करके गांधारी भी आंखों में पट्टी बांधे वे भी पीछे पीछे चल रही है। पतम प्रयांतम सुदृश्य प्रति अनुजगाम हिमालय न्यस्त दंड प्रहर्षम, और हिमालय में की ओर गए और न्यस्त दंड प्रहर्षम, इन दोनों सबने किसी को हमको दंड नहीं देना है, किसी से कोई कितना भी हमारा बुरा करे हम उनका प्रतिकार नहीं करेंगे, उनको दंड नहीं देंगे। नस्त दंडा क्षमा की भावना को स्वीकार करके ये चल रहे हैं, कोई मारो पीटो मान मैं कुछ नहीं बोलूँगा ऐसा विचार करके। मनस्व नाम एवं यह सत्संप्रहार, जैसे जो मनस्वी हैं धैर्य वाले जो व्यक्ति हैं वे संप्रहार को शत्रुओं के द्वारा किए गए प्रहार को भी सहन कर लेते हैं, इस तरह से वे गए हिमालय और वहाँ पर ये जाल अजात शत्रुकृत मित्रो हुताग्नि। अब युधिष्ठिर महाराज का एक नियम था कि ये प्रातः काल अग्निहोत्र करके संध्या वंदन करके अग्निहोत्र करके कृत मित्र माने मित्र माने सूर्य, सूर्य का पूजन करके, मित्र शब्द यदि पुल्लिंग में आए तो उसका अर्थ होता है सूर्य, और मित्र शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग में आता है तो उसका अर्थ होता है दोस्त, ये दोनों में अंतर है। तो कृत मित्र
माने सूर्य की आराधना करने के बाद में हुतात्मे ही इन्होंने अजाशत्रु माने युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का एक नाम है अजाशत्रु, जिनका शत्रु कोई उत्पन्न नहीं हुआ, हुतात्मे अग्निहोत्र करके विप्रान नत्वा ब्राह्मण जो हैं उनको प्रणाम किया और तिल गो भूमि रुक्मई, उनको तिल गाय भूमि रुक्म माने धन पैसा इनको प्रदान किया, इनके द्वारा प्रणाम करके ग्राम प्रविष्टो गुरु वंदनायो। युधिष्ठिर का एक नियम कि वे अपने काका काकी को प्रणाम करने के लिए घर में प्रवेश करते हैं, तो गुरु की वंदना करने के लिए उन्होंने प्रवेश किया। ना पश्यत पितरौ सौगलिं च, और उन्होंने सुवल की पुत्री गांधारी और पितरौ माने विदुर और धृतराष्ट्र इन दोनों को नहीं देखा, चाचा ताऊ इन दोनों चाचाओं को नहीं देखा। तम संजय मासीनम, उस समय संजय से पूछ रहे हैं, प्रपच्छोद विघ्न मानसा व्याकुल होकर के गावल गणे को नस्ताता नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रे। हे गावलगण, गावल के ऋषि थे बहुत बड़े, कोई संजय कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, संजय स्वयं भी बहुत बड़े वीर हैं और इनका जन्म भी किसी ऋषि से हुआ, ऋषि के पुत्र ही है, परंतु गावलगण ये गावल नाम करके जो ऋषि उनका, इसलिए मैंने इतना पवित्र व्यक्ति रहा होगा तभी तो उसको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की और महाभारत के पूरे उस तत्व को वो योगी क्यों प्रस्तुत कर सका, सारे गीता ज्ञान को पूरे महाभारत के ज्ञान को योगी क्यों धृतराष्ट्र के आगे प्रस्तुत कर सका। और शुरू शुरू में तो उसने भूगोल खगोल इन सबों का भी वर्णन किया, माने वेद व्यास जी वो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अपने पुत्रों की और पांडवों की जो लड़ाई हो रही है महाभारत, इसको मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, इसकी कोई व्यवस्था करो। तो श्री वेद व्यास जी ने फिर गावलगण और इनका जो सारथी है सूत, सूत ये इनके ही सारथी थे, तो सारथी को माने संजय को श्री वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे और ऋषि थे, बहुत ज्ञानी और बड़े निर्मल चित्त हैं, वंश भी बहुत सुंदर है और निर्मल चित्त हैं और इनको पूरा ज्ञान प्राप्त है, तो इनको दिव्य दृष्टि हुई। तो 9 दिन 10 दिन तक तो उसने महाभारत के युद्ध को पूछा ही नहीं, वो पूछता रहा अच्छा अमुक देश कौन सा है, अमुक तीर्थ कहाँ है, उस तीर्थ की क्या महिमा है। तो महाभारत में 10 दिन तक तो वो संजय सुनाते भूगोल खगोल और तीर्थ और धर्म और क्या नियम है और क्या धर्म है, किसको क्या कर्तव्य है, वर्णाश्रम धर्म इनके विषय में पूछता रहा और निश्चिंत भी था, क्योंकि 10 दिन के युद्ध में कहीं भी कौरवों का कुछ नुकसान नहीं हुआ, जब तक भीष्म पितामह सेनापति रहे तब तक कोई नुकसान नहीं हुआ और एक तरह से पांडव कहीं ही दबाव में ही रहे, पांडव हारते रहे और दबाव में रहे। तब कृष्ण ने बड़ी चतुराई जो है वो चतुराई दिखाई और अम्बा जो थी जो बाद में शिखंडी बन गई, उस अम्बा को दोबारा उसने रूप धारण किया शिखंडी का और उस शिखंडी के रूप में अर्जुन के रथ के ऊपर अम्बा को बैठा दिया और उनको ये पता था कि ये शिखंडी नहीं है, ये अम्बा है, स्त्री है, इसलिए उन्होंने भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र को रख दिया और फिर अम्बा के को ढाल बना करके अधर्म पूर्वक साफ साफ अधर्म अर्जुन ने भीष्म पितामह को शरशैया के ऊपर लटा दिया, उन्होंने अस्त्र छोड़ दिया और शरशैया के ऊपर लटा दिया। जब भीष्म पितामह गिरे तब चिंता हुई धृतराष्ट्र कि हाय अब क्या होगा, और तब उन्होंने कहा महाभारत के युद्ध का वर्णन करो।
तब दसवें दिन शुरू से लेकर के आखिर तक की महाभारत की अब तक की जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को और आगे की घटनाओं को तब संजय ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता यह महाभारत के युद्ध के दसवें दिन प्रकट हुई जब भीष्म पितामह गिर गए थे। तब भूतकाल की बात उसने कही कि इस तरह से महाबुद्ध सेनाएं इकट्ठी हुई और कृष्ण ने ये कहा, तो ये भीष्म पर्व का एक भाग है भगवद गीता। उसके पहले सारी घटनाएं घट गई थी भीष्म पर्व का। तब फ्लैशबैक में पूर्व दीप्ति में फिर गीता का पूरा वर्णन किया गया, ये दसवें दिन की घटना है। फिर आगे का पूरा प्रसंग वो सुनता रहा। फिर इसके बाद में जब युधिष्ठिर इनकी विजय हो गई, विजय हो जाने के बाद में और युधिष्ठिर जब राजगद्दी पर जैसे बैठे वैसे ही वेदव्यास जी ने दृष्टि उनकी वापस ली। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो संजय की वो दिव्य दृष्टि वो समाप्त हो गई। अब संजय यहाँ पर वही कह रहे हैं तो गावलगण वो नस्ताता, गावलगण कहकर के दिखा रहे हैं तुम कोई मामूली नहीं हो, तुम ऋषि के पुत्र हो। हे संजय, हमारे तात कहाँ हैं, वृद्ध हैं, वे आँखों से हीन हैं, दिखता है नहीं उन्हें, अम्बाच हतपुत्रार्ता, और गांधारी भी हमारी चाची जी भी वे हतपुत्रार्था, उनके पुत्र मारे गए हैं। पितृव्यक्व गता स्रोत, वे पितृ भी कहाँ चले गए, इस समय बड़े दुखी हो रहे होंगे, उनका सारा परिवार नष्ट हो गया है। अप मय्य कृते प्रज्ञ हतबंधुर सभालया आशंस मान शमलम गंगायाम दुखितो पतर। अब कल्पना कर रहे हैं अप मयि कृतप्रज्ञ, मयि अकृतप्रज्ञ मैं प्रज्ञा माने बुद्धिमान हूँ नहीं, मैं बड़ा मूर्ख हूँ। मयि अकृतप्रज्ञ और जो कृतज्ञता को नहीं मानने वाला है, मैं सर्वदा सर्वदा मंदमति हूँ। अकृतप्रज्ञ माने जिसमें प्रज्ञा नहीं है, जिसमें प्रज्ञा माने जन्मजात बुद्धि तो है ही नहीं, प्रज्ञा जिसमें है नहीं, बुद्धि मेधा प्रज्ञा। बुद्धि कहते हैं निर्णयात्मक को, मेधा कहते हैं कल्पनाशील जो शक्ति है आगे से योजना बनाना, उसका नाम है मेधा। और प्रज्ञा कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा दी गई जो क्षमता है बुद्धि, उसका नाम है प्रज्ञा। तो ये तीन चीज़ों में थोड़ा अंतर है। प्रज्ञा गॉड गिफ्ट है और मेधा वो है भविष्य की कल्पना कर लेना और उसके हिसाब से योजना बना लेना, ये मेधा है। और निर्णय करना परिस्थितियों में, इसका नाम है बुद्धि। तो बुद्धि मेधा प्रज्ञा, निर्णयात्मक बुद्धि। मेधा का तात्पर्य है भविष्य में क्या करना है उसकी पहले से योजना कर लेना, और ईश्वर के द्वारा दी गई जो किसी बात को समझने की जो क्षमता है वो है प्रज्ञा। तीनों में अंतर, एक एक व्यक्ति प्रज्ञावान होता है, एक नहीं होता है, एक मेधावी होता है, थोड़ा सा बताया जाए आगे की बात को वो खुद समझ लेता है, उसका नाम है मेधावी। और बुद्धि माने निर्णय कर सकना कि ये इस खंबा ही है, मनुष्य नहीं है, या ये मनुष्य है खंबा नहीं है, ये बुद्धि। खंबा कोई पिलर या कोई कहीं जो वृक्ष का जो स्तंभ है वो कहीं, तो ऐसा। तो अपि मयि अकृतप्रज्ञ, अकृतप्रज्ञ माने जो मंदमति है मेरे अपराधों को देख करके, आशंस मानस शमनम
शमन माने मेरे अपराध को देख करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि गंगायाम दुखितो पतत, मेरे चाचा चाची गंगा में डूब मरे हों, गंगा में गिर गए हों, ऐसा तो नहीं है उन्होंने कहीं आत्महत्या कर ली हो, सुसाइड कर ली हो, गंगा में गिर गए हों दुखित होकर के। पितर युपरते पांडव सर्वान्न सुहृद शिशु, हमारे पिता पांडु जिस समय मर गए, सर्वान्न उस समय पितर चाचा जी नहीं हम सबको सुहृद शिशु सुहृद होकर के हम बालकों को अरक्षताम उन्होंने पाला था। बड़े भाई थे पांडु, पांडु समाप्त हो गए, तो पांडु समाप्त हो जाने के बाद में फिर इन्होंने चाचा जी ने ही हमारा पालन किया था। पांडु बहुत वीर भी थे विद्वान भी थे, परंतु पांडु के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा था, मृग बन करके विहार कर रहे थे, उस समय ब्राह्मण को मार दिया, तो ब्राह्मणी ने उनको शाप दिया कि यदि तुम अपनी रानियों के निकट जाओगे तो तुम्हारा भी देह पात हो, तुमको वृद्धावस्था आ जाएगी। तो उस समय इन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसे तो बहुत बोलते रहते हैं, उस बात पर ध्यान नहीं दिया। और ये जब एक दिन काम विवश होकर के विषयों में आसक्त हुए, मना करने पर भी रानियों के, तो इनको पीलिया का रोग हुआ उस समय, जॉन्डिस का, पांडु का रोग हुआ, पांडु को पांडु रोग ही हो गया, और पांडु के रोग में फिर ये समाप्त। तो ये तो पितर विपरते पांडव, पिता की समाप्ति हो जाने पर, पांडु पिता की समाप्त हो जाने पर, तब बालक थे बहुत छोटे छोटे, पांडवों का जन्म तो हो गया था परंतु पांडव बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए उनके केयर टेकर के रूप में धृतराष्ट्र को कुछ दिन के लिए गद्दी पर बैठा दिया गया था कि जब तक ये बालक किशोर नहीं होते हैं तब तक तुम, 16 वर्ष के नहीं होते हैं तब तक तुम राज्य करोगे, फिर इसके बाद में जब किशोर हो जाएंगे तो फिर पांडवों का राज्य पांडवों को मिल जाएगा, पांडवों का राज्य उनके बड़े पुत्र युधिष्ठिर को मिल जाएगा। परंतु धृतराष्ट्र की बुद्धि फिर बिगड़ गई और धृतराष्ट्र ने पांडवों को राज्य नहीं दिया बल्कि पांडवों को मारने का प्रयत्न किया। पांडव पहले घूमते रहे, 12 वर्ष तक वे घूमे, फिर 12 वर्ष तक घूमने के बाद में फिर द्रौपदी के स्वयंवर में पांडव प्रकट हुए। द्रौपदी को जब वो मत्स्य भेदन किया तब पांडव प्रकट हो गए, और पांडव प्रकट होने के बाद में फिर पांडवों को ने उस समय ये कहा कि माने हमको राज्य दो, परंतु फिर राज्य देने के लिए टालम टोली करते रहे, फिर युधिष्ठिर इसी बात पर खुद झगड़ा नहीं हो इसके लिए राजी हो गए कि ठीक है हमको, हम अपने आप राज्य डेवलप कर लेंगे। तो उस समय उनको खांडव वन का राज्य प्रदान किया गया, खांडव वन की जगह दी खंडवा से, मध्य प्रदेश में खंडवा से लेकर के और दिल्ली तक बहुत बड़ा जंगल था, उस राज्य को प्रदान किया खांडव वन। परंतु पांडवों ने वहाँ पर नाग जाति के ऊपर विजय प्राप्त की, और नाग जाति के ऊपर विजय प्राप्त करके और उस स्थान को पूरा साफ किया, साफ करके फिर वहाँ पर इंद्रप्रस्थ नगर दिल्ली उनकी रचना की, इंद्रप्रस्थ। उस समय सूत वाचो संजय बोले कि कृपया स्नेह वैकल्प्या सूत विरह कर्षिता। सूत जी कह रहे हैं कि स्नेह की विकलता के कारण संजय एकदम व्याकुल हो रहे थे, और आत्मेश्वरम अचक्षणम, और उनको अपना स्वामी का वियोग प्राप्त हो गया था, माने धृतराष्ट्र चले गए थे, धृतराष्ट्र के साथ में सदा रहे, प्रत्याह अति पीड़िता, अत्यंत व्याकुल होकर के संजय बोले ब्रह्मज्य अश्रुण पाणिभ्याम, आंसुओं को पहुँच करके
अपने हाथों से। विष्टभ्य आत्मानम आत्मना, अपने आप को उन्होंने धैर्य प्रदान किया। और अजात शत्रु प्रत्युचे, अजात शत्रु श्री युधिष्ठिर से संजय उत्तर देने लगे, प्रभो पादौ अनुस्मरण, श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करते हुए, प्रभु पादौ अनुस्मरण, कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करते हुए संजय कहने लगे कि नाहम वेद व्यवसितम पित्रोर्वाह कुल नंदनों, हे कुल नंदन, कुल को आनंद देने वाले युधिष्ठिर, मैं नाहम वेद व्यवसितम, मैं तुम्हारे माता पिता के वचन को, उनके कार्य को नहीं जानता हूँ। कुलनंदना ये चिरंजीव कहकर के ये संबोधन है। नाट्यशास्त्र में ये वर्णन किया गया कि सारथी वह रथी को चिरंजीव कहकर के संबोधित करेगा। ये कुछ खास खास चीज़ें हैं, जैसे ब्राह्मण को संबोधित किया जाएगा तो नाट्यशास्त्र में भगवान कहकर के संबोधित किया जाएगा, हे भगवान। ये ऐसे ही पत्नी यदि पति को संबोधित करेगी तो आर्य पुत्र कहकर के संबोधित करेगी। ये आर्य पुत्र संबोधन किसी दूसरे के लिए नहीं होगा, अन्यत्र कहीं संबोधन होगा तो तात या आर्य कहकर के बड़ों के प्रति संबोधन होगा। तो ये कुछ खास चीजें। ऐसे ही सूत जब रथी से कहेगा तो चिरंजीव कहकर के वो संबोधित करेगा। एक धर्मशास्त्र में एक नियम भी बताया गया कि किसी को भी आशीर्वाद देना हो तो सामान्य आशीर्वाद है चिरंजीव, ये एक आशीर्वाद सामान्य आशीर्वाद है जो हर एक को दिया जाए। चलिए, आयुष्मान ये संबोधन किसी के लिए भी होगा। अथा जगाम भगवान नारद सहस्त्र मुरु, इतने में ही संजय कह रहे नाहम वेद व्यवस्थम पितुर्वक कुलनंदनो, हे कुलनंदन, हे चिरंजीव, मैं तुम्हारे चाचा चाची का के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, गांधारी आवा गांधारी का भी पता नहीं है, महाबाहो मुश्तोस्म महात्म भी, उन महात्माओं ने मुझे ठग लिया है, मुश्त माने चुरा लिया है, मुश धातु आती है चोरी करने के अर्थ में, इसलिए कहते हैं मूसा, जो चोरी करके खा जाए उसका नाम मूसा चूहा मुश धातु है संस्कृत की। अथा जगाम भगवत नारद सहस्त्रमुरु, इसके बाद में श्री नारद जी तुम्बुरु के साथ में आए और प्रत्युत्थाय अभिवाद्या अभिवाद्य, युधिष्ठिर उठकर खड़े हुए अभिवादन किया और आह बोले सानुजो भर्चे नेव, अपने छोटे भाइयों के साथ में भी श्री नारद जी का पूजन करते हुए श्री युधिष्ठिर बोले कि महाराज नाहम वेद व्यवस्थितम, नाहम वेद गतिर पित्रो, बोले माए मुझे अपने चाचा चाची का कोई भी गति पता नहीं है, अपने पित्रों माने दोनों चाचा विदुर और धृतराष्ट्र, इन दोनों चाचाओं की कोई गति का पता नहीं है, को गतः वे कहाँ गए हैं और अम्बाबा हथ पुत्रार्था, और मेरी चाची जी भी कहाँ गई हैं, अरे उनके पुत्र समाप्त हो गए, अब तो मैं ही उनकी सेवा करने वाला हूँ, अम्बाबा हथ पुत्रार्था को गता तपस्विनी, वो बेचारी कहाँ गई होगी मुझे जानकारी नहीं, गताच तपस्विनी बेचारी कहाँ गई है। कर्ण धारे वा पारे, भगवान पारदर्शका, अपार इस संसार में भगवान ही आप ही, भगवान में नारद जी से कह रहे हैं आप ही हमारे पारदर्शक होकर के कर्णधार के समान विराजमान है, अथवा जो अनाथ व्यक्ति हैं उनका पालन करने वाला ईश्वरी है। कर्णधारे वापारे, अपार इस संसार में भगवान पारदर्शक, भगवान ही पाल लगाने वाले, दुखियों को पाल लगाने वाले हैं।
अथाव भाषे भगवान नारदो गुरु सप्तमा। उस समय श्री भगवान नारद मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं वे बोले कि राजा माँ कंचन शुचा, किसकी सोच किस किस का सोच करोगे, किसी का सोच मत करो राजन, यदीश्वर वशम जगत, ये सारा संसार ईश्वर के वशीभूत है, कोई मर जाएगा बिल्कुल संसार रुकेगा नहीं, संसार बराबर चलता रहेगा, ये सोच रहे हैं कि हाँ हमारे द्वारा ही सारा दुनिया चल रही है, ये बिल्कुल गलत है, हमारे बिना भी खूब चलेगा संसार, खूब दौड़ेगा तो हम बस चलाने वाले हैं ये कहने की बात है, नहीं तो माँ कंचन शुचः, किसी का भी सोच करने की जरूरत नहीं है राजन, यदि ईश्वर वशम जगत, क्योंकि सारा संसार ईश्वर के वशीभूत है, कोई ये सोचे कि अब गार्जियन नहीं रहे तो आप कैसे पालन होगा, सो बात नहीं है, खूब पालन होगा आराम से, यदि ईश्वर वशम जगत। लोका सपाला यसे में बहंती बलि विशतु, श्री जितने भी लोक उनके पालक वे भी सब श्री ठाकुर जी को ही बलि समर्पित करते हैं, चलाने वाले ठाकुर जी हैं। स संयुक्ति भूतानी सैव विनियुक्ति चौ, वो ही नदी के प्रवाह में बने हुए जीवों को कभी मिला देते हैं और कभी दूर कर देते हैं, जैसे नदी के प्रवाह में दो तिनका पड़े हुए हैं, बह रहे हैं नदी के प्रवाह में, कभी मिल जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिल जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे ही चार जीव मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। संयुक्ति भूतानी और सही विनियुक्ति, तो वो दूर भी हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई जीव तो पार पड़ जाता है और कोई बीच में ही डूब जाता है, तिनका में कोई तिनका तो इस तिनके का इतनी बाढ़ में भी, इतने जल के प्रवाह में भी एक तिनका तो दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है और दूसरे किनारे के बिल्कुल पास वाला जो तिनका था पहुंचने वाला वो ही बीच में ही किनारे के पहले ही कहीं जल में डूब जाता है, इसलिए कोई ठिकाना नहीं है। तो कौन तिनका पार होगा कौन डूबेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। तो माँ कंचन शुचा है, इसलिए किसी का सोच करने की जरूरत नहीं है, यदि ईश्वर वशम जगत। यथा गावो नसिप प्रोता, नारद जी उपदेश दे रहे हैं कि जैसे किसी बैल की नाक में नकेल डाल दी गई है, तंत्याबद्धा स्वदामधी, और फिर नकेल डाल करके उस नकेल को तंती से डोरी से बांध दिया गया, लगाम से बांध लिया गया है, तो जैसे किसी गाय के बैल के नकेल डाल दी हो और तंती से उसे बांध दिया गया हो, तंत्या माने डोरी, डोरी से उसे बांध दिया गया हो, वाक तंत्याम नाम हृदय बद्धा, इसी प्रकार हम लोग भी वाक तंती माने वेद वाणी रूपी आदेश से हम बंधे हुए हैं, वाक्तंत्या नाम विर्बद्धा, नाम और वाणी इनके द्वारा हम बंधे हुए हैं, बहंत बल ईशतु, और वो बहंति ईशतु माने ईश्वर को हम बलि प्रदान करने वाले हैं, हम लोग भी ईश्वर को ही बलि माने भेंट प्रदान करने वाले होकर के विराजमान, वाक्तंत्या नाम विर्बद्धा बहंत बल ईशतु, ईशतु माने ईश्वर को हम बलि समर्पित करने वाले, तथा क्रीडो परस्कराणाम संयोग विगम हो, इस प्रकार जैसे खिलौने को एक बालक कभी मिला देता है कभी अलग कर देता है, क्रीड़ा के उपस्करों को संयोग कभी मिलाता है और कभी उनको अलग कर देता है, इच्छा क्रीडितु क्रीड़ा करने वाले की इच्छा से, तथा भी ईशेच्छया नृणाम, इसी प्रकार जीव भी ईश्वर की इच्छा से मिलते हैं, नृणाम माने जीव भी ईश्वरेच्छया स्याताम, ईश्वर की इच्छा से संयोगम संयोग विगम, संयोग और विगम
माने मिलन और विछोह इन दोनों को प्राप्त करती है। संयोग विगमौ इहो विगमा विहो, संयोग और विगम इन दोनों को प्राप्त करते हुए विराजमान। यम मन से ध्रुवम लोकम अध्रुवम वा न चोभयम सर्वथा ही न सोच्यास्ते स्नेहात अन्यत्र मुरुजा। यम मन से ध्रुवम लोकम, तुम जिस जगत को तुम ये समझते हो, जिस चीज को तुम ध्रुव समझते हो या जिस चीज को तुम अध्रुव समझते हो, दोनों ही जो हैं वो कहीं बंधन को प्राप्त करने वाले हैं। तो ईश्वर के अधीन होने पर लोक तत्व विचक्षण बनो, ये यम मन से ध्रुवम लोकम, तुम इस संसार को ध्रुव माने सत्य करके स्थिर करके मानते हो, और अध्रुवम देह जो है वो अध्रुव होकर के विराजमान है। शुद्ध ब्रह्म का निर्वचन हो जाने पर शरीर और जड़, जड़ शरीर और चेतन आत्मा, ये दोनों के दोनों कहीं शोचनीय नहीं होंगे, दोनों के दोनों कभी भी शोचनीय होकर के नहीं होंगे। क्योंकि शरीर का तो शोच करना नहीं चाहिए क्योंकि वो विनाशील है, और आत्मा का भी शोच नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो भगवद गीता में जो जो बात कह गई कि अशोच्यानंद में शोचस्तम प्रज्ञावादान से भाषित है, बिल्कुल वही यही अनुवाद है कि शोचनी जो नहीं है उनका शोच कर रहे हो, माने देह शोचनी है नहीं क्योंकि देह तो विनाशील है ही है, प्रतिक्षण समाप्त हो रहा है, एक दिन विनाशील होगा ही, और आत्मा के लिए शोच किया नहीं जा सकता है। शरीर तो सुनिश्चित है इसलिए शोच नहीं है, और आत्मा शोच नहीं है नहीं, इसलिए इनका शोच मत करो। तो यम मन से ध्रुवम लोकम, तुम संसार को इस शरीर को ध्रुव करके मानते हो परंतु अध्रुवम, शरीर और संसार अध्रुव होकर के विराजमान और आत्मा ध्रुव होकर के विराजमान, इसलिए न ध्रुव का विचार करो, न ध्रुव की चिंता करो, न अध्रुव की चिंता करो। जो स्टेबल है उसकी भी चिंता मत करो, और जो विनाशील है उसकी भी तुम चिंता मत करो, न स्थिर की चिंता करो न विनाशील की, जो ऑक्सिलरी है उसकी भी चिंता मत करो, जो स्टेबल है उसकी भी चिंता मत करो, दोनों किसी की भी चिंता मत करो। सर्वथा ही न सोच्यास्ते, न तो आत्मा शोचनीय है और न शरीर का शोच करना चाहिए क्योंकि वो तो विनाशील है, ये अपने आप ही नष्ट हो रहा है। स्नेहात अन्यत्र मोहजा, जो शोच हो रहा है वो मोह के कारण ही एकमात्र हो रहा है। तस्मात जयंग वैकलव्यम, इसलिए तुम विकलता का त्याग करो। अज्ञान कृतम आत्मनः, ये अज्ञान के द्वारा ही विकलता उत्पन्न हुई है। कथम तो नाथा कपड़ा वर्ते रस्ते चमाम बिना, ये तुम कैसे सोच रहे हो कि मेरे चाचा चाची अनाथ हो गए हैं, वे मेरे बिना कैसे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबका पालन करने वाला ठाकुर होकर के ही विराजमान है। कसम तो नाता कपड़ा बढ़ते रन ते चमान बिना, ऐसे में कैसे। श्री श्रीधर स्वामी के प्रसंग में एक ऐसा ही प्रसंग आता है, श्रीधर स्वामी के विषय में बताया जाता है कि उड़ीसा के थे, श्रीमद भागवत की टीका करने वाले प्रधान टीका हैं, श्रीधर स्वामी की टीका करना तो कोई चल ही नहीं सकता, और ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, परिवार वरवार था, परंतु काम वाम चलता नहीं था, गरीब थे, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं थे, तो आगे यहाँ पर काशी, और काशी में आकर के कहीं रहने लगे, किसी मठ में टिक गए। मठ वालों ने देखा ब्राह्मण शरीर है,
तो उनको कह दिया कि तुम नृसिंह जी का एक मंदिर सा है, बोले इसकी पूजा करो, नृसिंह जी की पूजा करो। और नृसिंह जी ऐसे प्रसन्न हो गए उन पर, नृसिंह भगवान के सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। अब कभी कभी विद्यालय में बैठने के लिए बैठ जाते थे पढ़ने के लिए, तो गुरुजी जो थे वे पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बोलते जाने क्या होगा, जाने क्या होगा। अब इनके समझ में नहीं आ रहा गुरुजी बीच में क्यों बोलते हैं जाने का क्या होगा, इसका तो कहीं कोई संपर्क है नहीं, जाने क्या हो रहा होगा, जाने क्या होगा, जाने क्या होगा। तो ये वहाँ पर गए, पता लगाया कि मन कहाँ है, विचार किया कि जाना चाहिए। तो ये गुरुजी के गांव में पहुँचे, वो गांव में देखा कि सब चल रहा है, किसी के बिना कोई काम होगा नहीं। और गुरुजी चिंता करते थे, पढ़ाते पढ़ाते पाठ पढ़ा रहे हैं, फिर उनका एक तकिया कलाम सा हो गया कि जाने क्या हो, जाने क्या हो। तो बस चिंता रहती थी गुरुजी को अपने घर की। तो उन्होंने आकर के कहा कि गुरुजी घर में सब कुशल है, आप बिल्कुल चिंता कर मत करो, आपकी पत्नी भी कुशल हैं, बच्चे भी कुशल हैं और सब चल रहे हैं, कोई आपकी याद नहीं करता। तो गुरुजी के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। नहीं तो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बोले जाने क्या होगा, जाने क्या होगा, तो वो चिंता हो। तब गुरुजी ने इनको थोड़ा बहुत पढ़ाया, फिर इनसे ये कहा कि तुम श्रीमद् भागवत की कथा लो। और उस समय इनके हृदय में भी चिंता थी कि जाने कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पालन होगा। तो क्या देखते हैं कि एक चिड़िया वो किसी अंडे को रख कर के, बच्चे को रख कर के चिड़िया उड़ कर के गई है और उस चिड़िया को किसी बाज ने मार दिया, किसी शिकारी ने उसके बाण मार दिया और चिड़िया मर गई। अब ये देख रहे हैं कि ये जो बालक है ये भूखा है, उड़ सकता नहीं है, इस बालक का पालन कैसे होगा, चिंता में। इतने में क्या देखते हैं कि कोई ऊपर से बाज उड़ करके जा रहा था और उसके मुंह में मांस का कोई टुक था और एक कीड़ा था और वो कीड़ा उसके मुख से कहीं नीचे टपका और वो जो बच्चा बैठा हुआ था चोंच खोल करके चू चू कर रहा था ठीक उसके मुख में जाकर के वो कीड़ा मर। इनके मन में विचार आया, अरे सबका पालन करने वाला ठाकुर है, कोई ये सोच रहा है कि मैं इस चिड़िया का पालन कैसे होगा, वो गलत है। इस चिड़िया का पालन करने वाले भी उस समय भी उस घोंसले में भी नेस्ट में चिड़िया का पालन करने के लिए भी चिड़िए के बच्चे के मुख में वो छोटा सा कीड़ा ठाकुर ने भेज दिया और उसका पालन हो। फिर ये निश्चिंत हो गए, सारी चिंताएं छोड़ दी और श्री नृसिंह भगवान की इतने प्रेम से सेवा कर कि इन्होंने टीका लिखी। अब और भी टीकाएं सब लिखी गई, तो इनकी टीका क्या होगी ये विचार करके इसको सबसे नीचे रख दिया। बड़े बड़े नैयायिक पंडित थे, परंतु श्री विश्वनाथ भगवान के मंदिर में जिस समय वो टीका खोला गया तो इनकी टीका सबसे ऊपर लिखी हुई थी, ऊपर थी और उसमें एक लिखा हुआ था कि व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति अन्य वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसाद देता है। एक कमेंट भगवान शिव ने स्वयं ने लिखा कि श्रीधर जो है उनने ही श्रीमद् भागवत के तत्व को जाना है, ऐसे सबका पालन करने वाले ठाकुर जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण गोविंद जय श्रीताय गौर हरि बोल जय श्री राधेश्याम।